हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी व्यक्ति का स्वभाव हंस के जैसा क्यों नहीं होना चाहिए? घर, परिवार और समाज में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमें अन्य लोगों के साथ कैसा रहना चाहिए? हमारा रिश्ता कैसा हो? इस संबंध में आचार्य चाणक्य ने कुछ नीतियाँ बताई हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर जल रहता है हंस वहीं रहते हैं। हंस उस स्थान को तुरंत ही छोड़ देते हैं जहां पानी नहीं होता। हमें हंसों के समान स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि हमें कभी भी अपने मित्रों और रिश्तेदारों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार हंस सूखे तालाब को तुरंत छोड़ देते हैं, इंसान का स्वभाव वैसा नहीं होना चाहिए। यदि तालाब में पानी ना हो तो हंस उस स्थान को छोड़कर तुरंत ही चले जाते हैं, चाहे उस स्थान पर वो कई वर्षों से रह रहे हों। बारिश के बाद तालाब में जल भरने के बाद हंस वहां पर वापस आते हैं। हमें इस प्रकार का स्वभाव नहीं रखना चाहिए। हमारे मित्रों और रिश्तेदारों का सुख दुख हर परिस्थिति में हमें साथ देना चाहिए। एक बार जिससे संबंध बनाया जाए उससे हमेशा निभाना चाहिए। हंस के समान स्वार्थी स्वभाव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है आचार्य चाणक्य जी ने क्यों कहा है कि किसी भी व्यक्ति का स्वभाव हंस के जैसा क्यों नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके और वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारे द्वारा कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टिप्स पहुंच सकें जिनसे आप अपने जीवन में लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।